नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं प्राइम उत्तर प्रदेश की। केंद्रीय रेल मंत्री आज जनपद के दो दिवसीय दौरे को लेकर विशेष ट्रेन से बिजनौर पहुंचे। रेल मंत्री के बिजनौर स्टेशन पर पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और रेलवे के पुलिस कर्मियों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं केंद्रीय रेल मिनिस्टर ने रेल स्टेशन का निरीक्षण किया और रेलवे विभाग के संबंधित अधिकारियों से रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के संबंध में जानकारी हासिल की। बता दें कि रेलवे मिनिस्टर ने रेलवे स्टेशन पर बने पब्लिक टॉयलेट का भी निरीक्षण किया। का ऑप्शन जो स्पेक्ट्रम का ऑप्शन हुआ कंप्लीट हुआ, ऑप्शन कंप्लीट होने के बाद में जितने भी लोगों ने ऑप्शन में स्पेक्ट्रम लिया सबको स्पेक्ट्रम दे दिया गया। यानी अब जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल होता है टेलीकॉम का, संचार में सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम एक पारदर्शी तरीके से सभी लोगों को दे दिया गया। अब सभी के सभी लोग लगे हुए हैं टावर के ऊपर इक्विपमेंट, साथ ही साथ जो सॉफ्टवेयर में परिवर्तन करना है, नए तरह का कोर नेटवर्क लगाना है, नए तरीके रेडियो नेटवर्क लगाना है, ये जो टेक्निकल व्यवस्थाएँ होती है वो व्यवस्थाएं अभी की जा रही है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने में जहां एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री लगातार पहल कर रहे हैं, वहीं लखनऊ के प्रसिद्ध अस्पतालों में से एक अपोलो पैरामेडिक्स अपना एक नया शाखा गोमती नगर में खोला है, जिसका शुभारंभ उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के द्वारा किया गया। इस दौरान अपोलो पैरामेडिक्स के CEO मयंक सुमानी भी मौजूद रहे। जैसा अपोलो मेडिक्स हॉस्पिटल अब 3 साल की सक्सेस के बाद अब ऐसा ज़रूरत महसूस होने लगी है कि अदर पार्ट्स ऑफ सिटी में सुपर स्पेशलिटी की OPD अवेलेबल कराई जाए, तो यहाँ अपोलो डायग्नोस्टिक्स गोमती नगर में हम लोगों ने अपनी सुपर स्पेशलिटी OPD अपोलो मेडिक्स की तरफ से चालू करी है, जहाँ पर हर तरह के सुपर स्पेशलिस्ट अवेलेबल रहेंगे। और ये पूरा कैलेंडर है जिसमें वीक में एक से तीन बार हर स्पेशलिस्ट अवेलेबल रहेगा और उनको यहाँ पे जितने भी लोकल एरिया के लोग हैं वो यहाँ पे वो सुविधा उपलब्ध रहेगी और वो उनका एडवांटेज ले सकते हैं। खबर वाराणसी से है, जहां श्रृंगार गौरी और ज्ञान भोपी केस मामले में आज भी दूसरे दिन लगातार सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि कल सुबह भी 11:30 बजे मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता अपनी बात को आधे घंटे में कंप्लीट करेंगे, इसके बाद हिंदू पक्ष के अधिवक्ता जवाब देंगे। वहीं इस केस में हमारे संवाददाता आफताब आलम ने हिंदू पक्षकार से बातचीत की है। ये वही बहस है दीन मोहम्मद के केस का 1936 और वर्सी पैक, कल वो कंक्लूड करेंगे। इन सब विषयों पर विस्तार से लगातार बहस कर रहे हैं, जिसका बहस पूर्व अधिवक्ता उनके दिवंगत अधिवक्ता ने मुस्लिम पक्ष के कर चुके हैं, फिर भी ये समय माननीय न्यायालय का बर्बाद किया जा रहा है, इसको विस्तारित किया जा रहा है, अनावश्यक इस मामले को बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है, जबकि यह मामला 7/11 की बहस 2 दिन में कंक्लूड हो सकती थी। कल 11:30 बजे पुनः माननीय न्यायालय ने कहा आप लोग आइए और अपनी बहस को मुस्लिम पक्ष को या अपनी बहस को पूर्ण करिए। ये वफ ट्राइब्यूनल जाना चाहिए, औरंगजेब ने इसको वफ किया था और 1944 में गजेट हो चुका है इसका, जो उनका बेसिक क्लक्स ऑफ आर्गुमेंट है, जिसपे हमारा प्रतिउत्तर ये है कि इस संपत्ति को कभी भी वफ संपत्ति घोषित नहीं किया गया है और जो भी उन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइल किए वो दूसरी मस्जिद के लिए इस मस्जिद के लिए नहीं है, यहाँ पे वफ एक्ट अप्लाई नहीं होता है। हमारा जवाब तैयार है, कल कोर्ट के सामने हम अपना प्रतिउत्तर देंगे। पूरी उम्मीद है कल इस मामले में सुनवाई कंक्लूड हो जाएगी और उसके बाद मामला माननीय न्यायालय अपना फैसला रिजर्व कर। अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से लगातार आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई है। आपको बता दें कि अजय किशन विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई है, हमारे साथ हिंदू पक्षकार मौजूद है, हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ सुनवाई हुई है। जी, आज विश्व माननीय विश्वेश जी की अदालत में जैसे ही हुआ पुनः कल की भांति
आज फिर जो है वही वो जो वक्फ बोर्ड पर सुनवाई हो रही थी, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 1669 में जो है 1670 में आलमगीर जो है उनके फरमान से तोड़ा गया। उनका एक दलील और था कि जब विश्वनाथ धाम बंद रहा था तो पुलिस कंट्रोल रूम को सरकार ने वक्फ प्रॉपर्टी मान करके जो एक्सचेंज किया था, और वक्फ प्रॉपर्टी में यह नियम होता है कि कोई भी एप्लीकेशन आप चाहते हैं, कोई भी कार्रवाई चाहते हैं या बात करना चाहते हैं तो 2 महीने पहले एप्लीकेशन दी जाती है। वक्फ के ऑफिस जो है लखनऊ में है वहाँ पर सरकार ने जो है पहले एप्लीकेशन दिया 2 महीने के अंदर, उसके बाद फिर इंटरचेंज की बात हुई। जब पुलिस कंट्रोल में जो है वक्फ की प्रॉपर्टी हो सकती है तो यह क्यों नहीं हो सकती, उन्होंने ऐसा कहा। और तो और कहे यह संपूर्ण वक्फ की प्रॉपर्टी है। जब उस समय हिंदू पक्ष के लोग अधिवक्ता लोग ये कहे कि क्या आप दस्तावेज दे रहे हैं, क्या वस्तु दस्तावेज, क्या मैं कह रहा हूँ ना, और हमको अच्छी तरह अदालत के समक्ष क्या क्या दस्तावेज दिया, कोई दस्तावेज कुछ नहीं, कोई साक्ष्य कोई दस्तावेज कुछ नहीं प्रमाणित किया गया न दिया गया। और तो और यह स्पष्ट है कि मुस्लिम जो मरुआडी यहाँ से 14 किलोमीटर दूर अराजी नंबर उसका दिखाते हैं, कागजात उसका देते हैं, कहते हैं इसका जो है क्या डेट दी गई है, कल पुनः जो है सुनवाई होगी और हम कलता है कि इसको आज जो है फैसला दिया गया है। हाँ 2 से है, सुनने में आया कि 11 बजे से, 11:30 बजे से भी है ना, कहीं और जिनको बात करना हो आ सकते हैं, 11:30 अलग पहुँच। तो हमारे साथ हिंदू पक्ष के अधिवक्ता थे, उन्होंने बताया कि वह वोट का मामला जो है उसको लेकर कल भी 11 बजे का टाइमिंग दिया गया है। वाराणसी से प्राइम टीवी के लिए आफ्ताब आलम। खबर गोंडा से है जहां कजरी तीज के पावन पर्व पर बाबा पृथ्वीनाथ मंदिर खरगोपुर में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारी और मंदिर के महंतों को निर्देश देते हुए कहा कि जलाभिषेक होने से पहले मंदिर पर सारी व्यवस्थाएं तैयार कर ली जाए ताकि जलाभिषेक के दिन आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो पाए। अयोध्या के हनुमानगढ़ी के महंत ने जेएनयू के कुलपति के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि जेएनयू के कुलपति ने लोकप्रियता के लिए हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा कि भगवान की कोई जाति नहीं होती है, वहीं संसार में लौकिक व्यवस्था के लिए वर्ण व्यवस्था बनी हुई है, ऐसी मानसिकता गलत है। साथ ही कुलपति से माफी मांगने की मांग भी की है। जेएनयू के वीसी शांत श्री जी ने जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाया है तो इस प्रकार की मानसिकता गलत है, उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और हिंदू संगठनों से आह्वान करेंगे, अपील करेंगे कि इनके खिलाफ सारे लोग एकत्रित होकर मुकदमा पंजीकृत कराओ कि ऐसे लोग लगातार सनातन धर्म संस्कृति की मजाक उड़ाते हैं, उल्टी सीधी बयानबाजी करते हैं और कमेंट करते हैं, तो ऐसे लोग की कमेंट बंद हो जाए। इसके नाते संवैधानिक तरीके से इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई, यह हमारी मांग है। कुशीनगर में पुलिस अधीक्षक के निर्देश में अपर पुलिस अधीक्षक पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। वहीं इस क्रम में साइबर सेल कुशीनगर एवं थाना तरिया सुजान और थाना तमकुहिराज की संयुक्त टीम द्वारा फर्जी तरीके से सरकारी कागजात ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत साइबर सेल और तरिया सुजान की पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए सरकारी कागजों ड्राइविंग लाइसेंस RC फर्जी तरीके से और कूटरचित तरीके से बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। इसमें 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जिनके नाम रफीक अहमद, अनिल सिंह और राजा पटेल। इनके पास से करीब 60 फर्जी DL, 15 फर्जी RC, 426 फर्जी PVC कार्ड, 50,000 रुपये नगद, 3 वाहन, 6-7 प्रिंटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। खबर अमेठी के रामगंज थाना क्षेत्र से है जहां ओवर रेटिंग का धंधा जोरों पर है। आपको बता दें कि आबकारी विभाग के निर्देश और मिलीभगत से बियर 10 ओवर रेटिंग कर बेची जा रही है जिसका वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो में सेल्समैन ने आबकारी विभाग के इस हरकत की पुष्टि की है। वहीं इस वीडियो में उसने बताया कि ये सब दुकानदारों और अधिकारियों के निर्देश पर किया जा रहा है।
पाकिस्तान में आए दिन सिख सिंधु हिंदू परिवारों पर पाकिस्तान के मुसलमान जुल्म किया करते हैं। इसी क्रम में बीते दिन पाकिस्तान में एक सिख परिवार पर वहां के मुसलमानों की बर्बरता को लेकर पूरे देश में सिख समाज का गुस्सा उबाल पर है। वहीं सिख समाज के लोगों का कहना है कि ये जुल्म बर्दाश्त के काबिल नहीं है, जिसके बाद उन्होंने इस घटना के विरोध में जिलाधिकारी कार्यालय पर पाकिस्तान का पुतला फूंका और पीड़ित सिख लड़की को न्याय दिलाने के लिए भारत सरकार एवं विश्व मानवाधिकार संगठन को ज्ञापन देकर रोष जताया। पाकिस्तान में एक सिख लड़की का नवयुवती का जबरन टीचर थी, उनको जबरन अपहरण करके उसका मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कर दिया गया और एक मुस्लिम से जबरदस्ती शादी करवा दी गई। सिख समाज का इसका बहुत सख्त विरोध कर रहा है और भारत सरकार से डिमांड कर रहा है कि भारत इतनी सख्त कार्रवाई करे कि किसी भी भारतीय के साथ ऐसा कोई भी देश कर ना सके। जैसे इसराइल में अपना फौरन अटैक करके अपना करता, हम भी यही डिमांड कर रहे हैं कि भारत सरकार भी ऐसी कार्रवाई करे कि आइंदा से कोई ऐसा काम ना हो सके। गोंडा के उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा संघ के मजेहना ब्लॉक अध्यक्ष का चुनाव कड़ी सुरक्षा के बीच संपन्न हुआ। वहीं ब्लॉक का अध्यक्ष चुनने के लिए पूरे उत्साह के साथ शिक्षकों ने मतदान किया, जिसमें 349 शिक्षक को मतदान करना था, जिसमें से 338 शिक्षक द्वारा मतदान किया गया। हरदोई के बरनई चतरखा में दो परिवारों में चल रहे विवाद को लेकर क्षत्रिय महासभा की एक बैठक धर्मशाला रोड स्थित क्षत्रिय भवन में आयोजित की गई। जिला अध्यक्ष ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक दल और स्वैच्छिक संगठन क्षत्रिय ब्राह्मण के आपसी भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। गत दिनों ग्राम चतरखा बरनई में एक ब्राह्मण व एक क्षत्रिय परिवार में व्यक्तिगत कुछ कारणों को लेकर के झगड़ा हो गया था और दोनों तरफ से पथराव हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से मुकदमा पंजीकृत है। इस मामले को राजनीतिक रूप देकर जातीय मुद्दे को उठाकर ब्राह्मण ठाकुरों में घृणा व नफरत फैलाने हेतु प्रयासरत हैं एवं प्रशासन पर क्षत्रियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दबाव डाल रहे हैं, जो सर्वथा अनुचित है। अगर प्रशासन इन नफरत फैलाने वाले संगठनों के दबाव में आकर के क्षत्रियों के खिलाफ एक तरफा कार्यवाही करेगा तो हम लोग उसका खबर फरुखाबाद के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र से है, जहां समुदाय विशेष के दबंगों ने नाबालिग किशोरी का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म किया, जिसके बाद पीड़ित ने पिता थाना में तहरीर दी। वहीं तहरीर के बाद हरकत में आई पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। और ले गए थे और फिर हमने बोला कि हम अपने घर पे जाएंगे, घर पे नहीं जाए और फिर पता नहीं क्या चला रहे हैं। और फिर मम्मी पापा को गालियाँ दे रहे थे कि चमट्टा हमारा क्या करेंगे। और फिर इन्होंने स्टेशन रेलवे स्टेशन पे बैठा दिया कि जाओ अपने घर जाओ, इनकी माँ ने बैठा दिया। समुदाय विशेष के लोगों ने उनको बहला फुसला के ले गए थे। पहले भी ऐसी एक घटना हुई थी, वो दो तीन दिन में वापस आ गई तो हमारा जो भैया हिंदू है वो एक टीचर है, अच्छे घर से है, अच्छे परिवार से है, इसलिए उन्होंने सही सूचना नहीं दी ना हम लोगों को ना थाने। दोबारा भी जो घटना घटी गई फिर उसके बाद उन्होंने सूचना की है, यहाँ पुलिस शायद मुकदमा नहीं लिख रही थी, हम सभी हिंदूवादी संगठनों को सूचना मिली तो हम लोग आए, लेकिन यहाँ आने के बाद में पहले से ऐसा पता चला कि मुकदमा 20 तारीख को पंजीकृत हो चुका है सही धाराओं में, अच्छी धाराओं में। हरदोई में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसके चलते एक के बाद एक चोरी के मामले सामने आ रहे हैं। वहीं चोरी की घटनाओं से बचने के लिए अब आम लोग रातों में जागकर चोरों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जब नगर से सटे बेहटा चांद इलाके के स्थानीय लोग चोरों से बचने के लिए जाग रहे थे, तभी लोगों की नजर एक घर में घुस रहे एक युवक पर पड़ गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने चोरी करने के इरादे से घर में घुस रहे उस युवक को धर दबोचा, जिसके बाद इसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी।
खबर हरदोई से है, जहां पुलिस ने एक युवक की हत्या के मामले में खुलासा किया है। आपको बता दें कि दो सगे भाइयों ने मिलकर युवक की हत्या की थी। मृतक युवक के आरोपियों की बहन के साथ अवैध संबंध थे, जिस बात पर भड़के आरोपियों ने मिलकर युवक की हत्या कर दी, जिसके बाद वो अपनी बहन की भी हत्या की योजना बना रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मिनीगंज में प्रातः एक युवक की हत्या करके लाश कर ली गई थी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच के कार्रवाई की थी और अभियोग पंजीकृत किया था। परिजनों ने गांव के ही दो युवकों पर, जो कि रिश्ते के ही लगते हैं, उन पर पुरानी रंजिश का आरोप लगाते हुए मुकदमा कायम किया था। दोनों युवकों को हिरासत में लिया गया और गहन पूछताछ की गई। साइंटिफिक इंटरोगेशन के तरीके अपनाए गए, तब इनके द्वारा भेद खोला गया। अमेठी के तिलोई तहसील के रमई गांव में दबंगों के कब्जे से सरकारी जमीन मुक्त कराई गई, जिस पर धान की फसल लहलहा रही थी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री से शिकायत होने के बाद पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। बताते चले कि सरकारी भूमि बीते कई सालों से दबंगों के कब्जे में थी। हमें पता लगे कि ये जो है चरागाह की भूमि 1752 घाटा संख्या 4.25 रकबा है, तो पता लगा कि जो प्रधान आईजीआर से सूचना मिली कि यहाँ पे धान लगा हुआ है, तो आज मौके हम लोग इसको जुतवाने के लिए आए थे। लेकिन चूंकि फसल बड़ी बड़ी हो गई, तो हम लोगों ने कहा कि टीम ने फैसला किया कि जो है इसको सुपुर्दगी में प्रधान को दे दिया जाए और जो फसल जब तैयार होगी तब इसको नीलाम कर दिया जाएगा। राजस्व विभाग में जमीन चारागाह के नाम से दर्ज है 1752 घाटा संख्या, जिसका रकबा लगभग 4 बीघा है। इसमें दरअसल चारागाह की जमीन पर फसल उगाई जा रही थी। प्रशासन में शिकायत हुई, प्रशासन मौके पर आया है, फसल देखा है, फसल लहला रही, तो प्रधान ने हमको इस प्रधान प्रतिनिधि के रूप में उसको दे दिया है हमें जो है कि सुपुर्दगी में। अब जब फसल तैयार होगी तो इसका नीलामी कराएंगे प्रशासन, ये हमें बोला गया है। गाजियाबाद और दिल्ली सीमा विवाद पिछले कई सालों से चल रहा है। यहाँ पर जल भराव की स्थिति लगातार बनी रहती है, जिसके चलते आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो दिल्ली सरकार लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बड़े बड़े दावे कर रही है, वहीं एक विवाद पिछले कई सालों से बना हुआ है, जिसके कारण ना तो नालों की सफाई हो रही है ना ही बेहतर रोड बनाई जा रही है। सीमा विवाद को लेकर यहाँ पर पिछले कई सालों से, ये दिल्ली का पूरा रोड है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर जल जमाव की स्थिति बनी हुई रहती है जब जब बारिश होती है। हालांकि बारिश का मानसून का सत्र चालू है, मानसून लगातार बारिश, अभी हालांकि बारिश तो नहीं हो रही, लेकिन कुछ राज्यों में जहाँ बारिश हो रही है, हालांकि यहाँ जिस दिन NCR में बारिश होगी तो ये हालात बस से बदतर हो जाते हैं। हालांकि ये देखिए, ये बाउंड्री बनी हुई है, ये दिल्ली से सटा हुआ पूरा रोड है। इसके उस तरफ मैं बात करूं कि देखिए कैमरा मैन से कहूँगा, ये वो जगह है जहां पर ये सर्विस रोड है, सर्विस रोड पूरी की पूरी ये गाज़ियाबाद के अंदर में आती है। जब हालात यहां पर बदतर से बदतर हो जाते हैं तो यहां से लोगों का निकलना दूभर हो जाता है, लोग इस सर्विस रोड का सहारा लेते हैं। जैसे कि वो देखिए स्कूटी आ रही है, स्कूटी हालांकि यहां से निकलेगी तो कोई दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि किसी को भी नहीं पता पानी के अंदर में कितना बड़ा गड्ढा है, क्योंकि ये दो राज्यों का विवाद है, एक तरफ दिल्ली है तो दूसरी तरफ भाजपा सरकार है, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है। कहीं ना कहीं यहाँ की जो चेयरमैन है रीना भाटी ने कई बार दिल्ली सरकार को लिखित में शिकायत भी दी है, लिखित में उन्होंने एक ज्ञापन भी दिया, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। हालांकि बात की जाए तो केजरीवाल की दो राज्यों में सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वो लोग दावे करते हैं, वादे करते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, स्कूलों को लेकर अच्छा काम करें, तो केजरीवाल जी से ये हम पूछना चाहेंगे, केजरीवाल जी आपकी सीमा लगी हुई है, ये बॉर्डर का क्षेत्र है, तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से ये रोड जलमग्न है। आप तस्वीरों में देखिए वो गाड़ी चार पहिया जा रही है, वो चार पहिया गाड़ी इसलिए जा रही है क्योंकि उसको पता है कि ये गाड़ी निकल जाएगी। हालांकि यहाँ हादसे लगातार होते रहते हैं, जिस दिन बरसात ज़्यादा होती है जल जमाव की स्थिति बन जाती है, तो कहीं ना कहीं सभी सरकारों को, दोनों को मिलकर इस पर मंथन करना चाहिए, इस पूरे विवाद को, जो सीमा विवाद है इसको सुलझाना चाहिए, क्योंकि इसमें आम लोगों को समस्याएँ पड़ रही हैं, आम लोग ही यहाँ से गुजरते हैं जो कि आप लोगों को वोट देते हैं। गाज़ियाबाद से प्रवीण मिश्रा, Prime TV के लिए। खबर मैनपुरी से है, जो है एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें कि तेज रफ्तार होने के चलते सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे करीब एक दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया। कहाँ से कहाँ जा रही थी बस?
आप कहाँ से बैठे थे? टॉकी के मारे ड्राइवर ने पूरी गाड़ी घुमा के खाई में डाल दी और ऐसा ऐसा हो गया। बहुत बस कहाँ से कहाँ जा रही थी बस? हम तो वहाँ किसनी वाली रोड पे आ रहे थे, उधर से बस आ रही थी। तुम काहे पे थे बस में? सर हम बीच में बैठे हुए थे, मैंने देखा नहीं कैसे हो गया बस। तो बस पलटी थी या एक्सीडेंट हुआ है? पलट गई। बस पलट गई थी। अच्छा, कितने लोग बस में थे लगभग? पूरी भरी हुई थी। लगभग अंदाज 40-50 लोग थे। छोटी बस थी, मिनी बस थी। अच्छा, कहाँ जा रहे थे आप लोग? कहाँ से आ रहे थे? जा रहे थे बता रहा हूं। कुर्ला से मैनपुरी आ रहा हूँ। वहीं पर एक मोटरसाइकिल सवार था, बताया जा रहा है कि जानवर देखा कितना हो गया, तो उसे अभी तेजी से पलट गई। 10 से 12 लोग इंजॉय हुए। कंडीशन अभी उनकी ऐसी है कि यहीं पर उनका इलाज किया जा रहा है, एक को रेफर किया गया है। प्रशासनिक तत्काल वहीं पर लोकल एसडीएम और लोकल सीओ पहुंच गए थे। बिस्तर एसपी ने उसे किया, हम लोग स्वयं अभी लिस्ट हमारे पास 8 की बन पाई जी, और 4 रेफर हो गए, इसमें एक महिला है। अच्छा, 4 रेफर हुई जिसमें एक महिला है, इन्हें सफाई के लिए रेफर किया गया? हाँ जी, महिला को किया गया। गोरखपुर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय नागेंद्रनाथ सिंह के 10वीं पुण्यतिथि पर आयोजित स्मृति व्याख्यान एवं विभिन्न विभूतियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। वहीं कार्यक्रम का उद्घाटन केरल के महामहिम आरिफ मोहम्मद खान और पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने दीप प्रज्वलित कर किया। साथ ही इस अवसर पर केरल के महामहिम ने विभिन्न विभूतियों को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने की। के नौजवान होने के कारण उत्सुकतावश, थोड़ा आवेशवश, आप अगर कोई ऐसी बात भी कहते, मैं कम से कम अपने बारे में कह रहा हूँ, जो तथ्यों पर आधारित नहीं या जो उचित नहीं है, तो वो उनकी खास खूबी है कि वो तुरंत बात को काटने की बजाय बहुत प्यार से समझाते थे कि बेटा थोड़ा और पढ़िए। और मुझे ऐसे लोगों के पास बैठने का बहुत शौक। प्राइम उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ